लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक लाख द्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर 120 से 270 मील दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनीद्वीप द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, हालांकि भौगोलिक रूप से ये केवल द्वीप समूह के केंद्रीय उपसमूह का नाम है। ये द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल सतही क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किमी 12 वर्ग मील है, जबकि अनुप क्षेत्र 4200 वर्ग किमी 1600 वर्ग मील, प्रादेशिक जल क्षेत्र 20000 वर्ग किमी 7700 वर्ग मील और विशेष आर्थिक क्षेत्र 400000 वर्ग किमी 150000 वर्ग मील में फैला है। इस क्षेत्र के कुल 10 उपखंड मिलकर एक भारतीय जनपद की रचना करते हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और ये द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये द्वीप समूह लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस समूह के द्वीपों का सबसे उत्तरी भाग है और ये द्वीप एक विशाल समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला चागोस लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति तो के सबसे ऊपरी हिस्से हैं। चूंकि इन द्वीपों पर कोई आदिवासी आबादी नहीं है, इसलिए विशेषज्ञ इन द्वीपों पर मानव के बसने का अलग अलग इतिहास सुझाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानव बस्तियां मौजूद थी। नाविक एक लंबे समय से इन द्वीपों को जानते थे। इसका संकेत पहली शताब्दी ईस्वी से इरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस क्षेत्र के एक अनाम संदर्भ से मिलता है। द्वीपों का उल्लेख ईसा पूर्व 6 शताब्दी की बौद्ध जातक कथाओं में भी किया गया है। 7वीं शताब्दी के आसपास मुसलमानों के आगमन के साथ यहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। मध्ययुगीन में इस क्षेत्र में चोल राजवंश और कैनानोर राजाओं का शासन था। कैथोलिक पुर्तगाली 1498 के आसपास यहां पहुंचे, लेकिन 1545 तक उन्हें यहां से खदेड़ दिया गया। इस क्षेत्र पर तब अरक्कल के मुस्लिम घराने का शासन था, उसके बाद टीपू सुल्तान का। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिशों के पास चले गए और उनके जाने के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। समूह के केवल 10 द्वीपों पर मानव आबादी है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या 64,473 थी। अधिकांश आबादी स्थानीय मुस्लिमों की है और उनमें से भी ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के शाफी संप्रदाय के हैं। ये द्वीप जातीय रूप से निकटतम भारतीय राज्य केरल के मलयाली लोगों के समान है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर माही या महल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगत्ती द्वीप पर एक हवाई अड्डा मौजूद है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है, साथ ही टूना मछली का निर्यात भी किया जाता है। इस क्षेत्र के शुरुआती उल्लेख इरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस के एक अनाम लेखक के लेखों में मिलते हैं। 3 संगम पाटिर पटुमेचेरों द्वारा द्वीपों के नियंत्रण के संदर्भ भी मिलते हैं। स्थानीय परंपराएं और किंवदंतियों के अनुसार इन द्वीपों पर पहली बसावट केरल के अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरुमल की काल में हुई थी। 4 समूह में सबसे पुराने बसे हुए द्वीप अम्नी, कल्पेनी अंदरोद, कवरत्ती और अगत्ती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलन में था। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार 661 ईस्वी में उबैदुल्लाह द्वारा इस्लाम को लक्षद्वीप पर लाया गया था। 5 उबैदुल्लाह की कब्र अंदरोद द्वीप पर स्थित है। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं और उसके बाद कैनानोर के राज्य का शासन था। 16वीं शताब्दी में ओरमुज और मालाबार तट और सीलोन के दक्षिण के बीच के समुद्र पर पुर्तगालियों का राज था। पुर्तगालियों ने 1498 की शुरुआत में द्वीप समूह पर नियंत्रण कर लिया था और इसका मुख्य उद्देश्य नारियल की जटा से बने माल की दोहन था। 1545 में पुर्तगालियों को द्वीप से भगा दिया गया। 17वीं शताब्दी में द्वीप कन्नूर के अली राजा अरक्कल बीवी के शासन में आ गए, जिन्होंने इन्हें कोलाथिर से उपहार के रूप में प्राप्त किया था। अरब यात्री इब्न बतूता की कहानियों में द्वीपों का भी